कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। काल की बात है भक्तों तुम्हें बताते हैं, किसी नगर में मुचकुंद नाम के राजा रहते थे। चंद्रभागा नाम की भक्तों उनकी पुत्री थी, दिखने में अति सुंदर और वो बहुत सुशील थी। राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ अपनी बेटी का विवाह वो धूमधाम से किया। एक समय भी शोभन बिन खाए ना रह सकता, अपने पेट को थोड़ा भी वो कष्ट न दे सकता। आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। कार्तिक मास महीने में पत्नी के साथ शोभन पहली बार आया था अपने ससुराल। उसी समय रमा एकादशी का व्रत पड़ा, चंद्रभागा ने व्रत करने को शोभन से कहा। सुनते ही इस बात को शोभन परेशान सा हुआ, भूखा नहीं रह पाता हूँ व्रत कैसे कर सकता। प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से शोभन ने कहा, और कोई उपाय बताने को उससे कहा। बार बार शोभन उपाय ही पूछे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से ये कहा, व्रत यदि नहीं करोगे राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस राज्य में जो कोई भी है रहता इस व्रत का वो नियम पूर्वक पालन है करता। आज के दिन जीव जंतु भी यहाँ भोजन नहीं करते, पावन एकादशी का व्रत सब ही है रखते। शोभन लगा सोचने, आखिर करूं तो क्या करूं, अपनी प्रिय पत्नी की आज्ञा को कैसे टालूं। उपवास के नाम से ही वो तो घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
रमाय का दश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। शोभन को एकादश का व्रत करना पड़ा, शोभन से भूख प्यास बर्दाश्त न हो पाया, पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, चंद्र भागा इसी उम्र में विधवा हो गई, पति के साथ में खुद को उसने नहीं किया सती, और वो अपने पिता के यहाँ जाकर रहने लगी। व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में भव्य राज्य उसे प्राप्त हुआ मंदराचल पर्वत पे। एकादशी के व्रत का फल शोभन पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वे सभी शोभन के दिव्य नगर में जा पहुँचे। सिंहासन पर शोभन को देखते पहचान लिए, ये सब बातें चंद्रभागा को जाकर बता दिए। चंद्रभागा खुशी के मारे खिलखिला उठी, पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। अपने व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए सिंहासन व राज को अटल किया हरदम के लिए। पति पत्नी दोनों मिलते ही खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।
रट ले हरि का नाम रे मन, रट ले हरि का नाम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम रे, तेरे बन जाए सब काम रे। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब दे जाए धोखा, जाने कब दे जाए धोखा, ये लुट जाए सरेआम रे, लुट जाए सरेआम रे। बैरी रट ले हरि का नाम रे, बैरी रट ले हरि का नाम रे मन, रट ले हरि का नाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, देख क्यों हंसता सुंदर काया, देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे, रहेगा न चाम रे। बैरी रट ले हरि का नाम रे, बैरी रट ले हरि का नाम रे मन, रट ले हरि का करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपने पाप छुपाए, इससे तू अपने पाप छुपाए, तेरा
का बुरा अंजाम रे बैरी, होगा बुरा अंजाम रे बैरी, रट ले हरी का नाम रे बैरी।